सबका धन्यवाद है, सभी पत्रकार बंधु और पुलिस प्रशासन के लोग। एक दिन पहले भी यहाँ पर आए, भीड़ उस दिन भी बढ़िया थी, लेकिन जी आज भी बढ़िया लग रहा है कि पंडाल से बाहर तक लोग हैं और बहुत तैयारी से है, क्योंकि जिस स्थान पे, जिस भूमि पे आंदोलन होना हो और जब तक उस भूमि के आसपास के लोग उसमें आहुति देने ना आए तो उस भूमि का भी महत्व नहीं होता। आज आगे ने सारी जो पाल है यहाँ की, वे पाल आ रही है और भी आ जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि दो मोर्चे हमारे, हमने जब भी दिल्ली पे चढ़ाई करी ये दो मोर्चे कच्चे रहे हमारे, एक ये वाला और एक जयपुर वाला। इस पर काबू मिल गया, जयपुर वाले पे भी मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं। जो बार बार कहने के गोड़ा लट्ठी क्या हो, जो बार बार कहें भाई अब दिल्ली को गोड़ा लट्ठी दे लिया, अब चारों तरफ से या गोड़ा लट्ठी है, वे कह रहे जी कैसे देंगे, मगर भाई अब भी नहीं समझे क्या कैसे देंगे, या बांध ले दिल्ली चारों तरफ से, ठीक है बन जाएगी। और ये तो बहुत पहले से प्लान थी, जब से देश आजाद हुआ जब से प्लान थी कि इसको किसी दिन जब भी ये दिल्ली कुछ दिक्कत करे तो इसे बांध का घेर लो, या अब का बंदी 32 साल पहले भी बांधने की कोशिश करी थी लेकिन नहीं बंधी थी। जब भी जब हम दिल्ली अंदर चले गए थे, अब की बार दिल्ली के चारों तरफ है, चारों तरफ है, तो यह बंदगी रास्ता क्या है कि अब दिल्ली के चारों तरफ सड़क भी बनेगी, भीतर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर बाहर घूम लो पूरा। जो पेरिफेरल जो ये बने हैं जो रोड, भाई हम यहां से चढ़े रहे से चारों तरफ को घूम लो, अगला सर्किल भी आओगा, अगला सर्किल इसी के पुल के नीचे आओगा। ये एक ही दिन तो कहने, थोड़ा सा खिसक सी लो, थोड़ा सा खिसकन सी कर लो, खिसकन सी कर दो पुल के नीचे, रुको तुम दो जगह, जिस दिन बारिश से आ जाएगी ना अपना खिसकन सी कर लियो, ठीक है पुल के नीचे कर लियो, अरे पुल के धूप चाह तो ऊपर बैठ लो, क्योंकि लंबा प्रोग्राम चलना है, लंबा चलना है प्रोग्राम, क्योंकि आने वाले टाइम पे गर्मी भी आओगी। भाई अपने हम खेती बाड़ी का काम करें, अगला 6 महीने का प्रोग्राम तो हम खेत का बना के चलते हैं। भाई आपका गर्मी आएगी तो यहाँ थोड़ा बैठेंगे, गर्मी आएगी तो पुल के नीचे बैठेंगे, रास्ता तो वही तो है, औरतों का रास्ता है भी। देखो ये तो सरकार सुधर जा, ये किसान जाने वाला तो है नहीं, कोई 100-100 साल का पट्टा लेगा कोई नहीं आया यहाँ पे। जो इस आंदोलन में शहीद होगा, पुलिस फायरिंग से मारा जाएगा, इससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलने का। अपना ऊपर वाले का राम का नाम लो और अपना चढ़ाई करो, ठीक है। अब के सुधरी हुई सरकार कान नहीं मारने की, अब के चाट पीट का ठीक कर लो। देखो ओका पीने वालों को सबको पता बात समझ ले, और तो कोई समझेगा नहीं, अब नहीं समझेगा और ना समझाने की जरूरत, लेकिन हमारे ओके वाल समझेंगे। जो पुराने की आग हो न उसे जितनी पीटोगे उतनी आंच देगी, पुराने की आग उसे पीट के चिलम में भरे हम, जब हम तो आग को भी पीट के, पुराने की आग को भी पीट का आंच ले रहे हैं। ये तो सरकारी हो, ये कहां से आए, कहां के राज कर रहे, और ये क्या इनका प्लान है, कानून आने से पहले गोदाम बन जाते हो तो कानून का तो पता चलेगा। जब गांव के लोगों ने पूछा भाई क्या बन रहे, पटानी गौशाला बन रही जी, हमने भी सोचा भाई गौशाला के लिए बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, पहले भी राजा महाराजा और जो सेठ सौकार थे वे गौशाला बनवा कर थे, भाई बढ़िया सेठ है अडानी गौशाला बन रही, जब पता चला तो स्टील की बन रही, हाँ बढ़िया बनेगी, ज्यादा बड़ी बड़ी बन रही, आज राजस्थान से और गुजरात से बड़ी गाय के जब आवे वे रुकेंगे इसमें, लेकिन जब पता चला हो ये तो अनाज के भंडार बन रहे, अलग रेल निकल रही, आपको पता नहीं रेल वहां से बंदरगाह से लगाकर ये लोग को रेल, ये जो सड़कें निकल रही ना, ये जो बाहर का पैसा आ रहा है, ये एक देश के माल को दूसरे देश में उठा कर रखने का इनका पूरा षड्यंत्र है। मतलब इतना माल उठा देंगे, कह लगे जी MSP उसमें तो हम छेड़खानी करी थी, अरे राड तो यही है कि जिसपे छेड़खानी करनी थी उसपे तो कानून नहीं बनाया, अनाज सस्ता खरीदोगे, क्या लगे जी MSP पे जैसे थी सही रहेगी, और मैं कहा यही तो राड है कि जैसे थी सही रहेगी, कहां कह रहे व्यापारी को कह रहे उनके जो फिक्की सभागार हैं उसमें जाके कह रहे प्रधानमंत्री
भाई कृषि कानून ले आए, किसानों को बहुत फायदा हो रहा, कह रहे किसको, व्यापारी को, फायदा किसान को होगा, कह रहे व्यापारी को, जो चीज ये कहे वो होता नहीं, उसका उल्टा हो। अब तुम समझ लेना, ये इलाज वर्धक है, अगर इसका इलाज नहीं करा गया तो सारे मरेंगे, कोई एक दिन आगे मर जाएगा, कोई एक दिन पीछे मर जाएगा। इन्हें क्या है, फीता लेकर नाप रखे नदी में को पार होना, वो तीन आदमी निकल रहे थे, एक की हाइट 2.5 फुट थी बड़ा कार, एक की थी 6 फुट। वो किसी मास्टर पे सवाल करा दे, हम कैसे लिख रहे थे, कह लगे कितना पानी है, जी पानी है 5 फुट, और हाइट कितनी है, कह लगे जी हाइट 1 की 4 है, 1 की 7 है, कह लगा एक को काट कर उसमें कर दो, उसमें कर दो, पार हो जाओ और निकल जाओगे। वो उनके भरोसा, मास्टर के भरोसे पार हो गया, मर गया, मंगा वही मर गया, आधे मर गया उसमें से। देखो ये मास्टर कौन सा है, जितने भी किसान बैठे हैं उन्होंने खेती में काम करा, खाद महंगा, बीज महंगा, ट्रैक्टर महंगा, सारी चीज महंगी होगी, दवाई महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, उसने लागत लगाई, जब वो बेचने गया तो आधे रेट में बिकी। उसने सोचा भाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगुनी होगी, भाई लागत ज्यादा आ गई, आमदनी जो है जो बेचने गए वो आधे रेट में बिकी, आमदनी दुगुनी होगी, उससे मास्टर से मिलवाए तो हमको, हम उस मास्टर से मिलना है, जिसने सवाल बताया ना उस मास्टर से जरूर मिलवा दो, किसी को मिले, ये पत्रकार भी यहाँ है, आपको वो मास्टर कहीं मिले, भाई हमारी बातचीत जरूर करवा दी उससे। वो मास्टर है नदी में जिसने गुणा भाग कर नदी में को आधा गुण भाग खपवा दिया, ये मोदी और ये सारे है ना जो इनकी जोड़ी है, ये सारे के सारे मास्टर यहाँ है, एक यहाँ का एमपी है कहीं का दिल्ली का, हो भिदोड़ी क्या बता उसका नाम, उनसे बात करवाई, उनने कहा जी मुझे तो किसी ने कहा, हाँ मुझे तो किसी ने कहा जी, मैं तो उसके कहे पे कहा, मैं कुछ नहीं कहा, हमें उसी की तो तलाश है जो सलाह दे रहे, सलाह वाले के तो खिलाफ 120B की धारा लगे, जो गलत सलाह किसी को देगा 120B की धारा लगती है उसके ऊपर, उसने तो कानून का उल्लंघन करा, सजा छोड़ देंगे भाई, उसका नाम बताना पड़ेगा पंचायत में, ये पंचायत तो बेड़ा सांटा साथ लेकर चले, ये खाप पंचायत है या पाल पंचायत है, अपना बेड़ सांटा साथ लेकर चले, तेरी सुताई करेंगे, जहां फंसेगा सुताई करेंगे, इन्हें भी देखेंगे, जोन से खिलाफ बोल रहे लाल डायरी बना लो इनकी, जो भी खिलाफ बोल लगा उसकी लाल डायरी बना लो, इनकी सुताई जरूर करनी, इनकी पिंडी पीटनी पड़ेगी, पिंडी बगैर पिंडे पीटे काम चले ही नहीं, और एक बार गोल सड़ो के सांटे से इनकी सुताई हुई, अरे उन्हें काम ठीक दिया, ये कह दिया आपको भाषा उपचूक बोल रहा हूँ, मका मारे वाले सारी समझे, सब समझे मारे वाले, वे कह लगे जी बालक आजकल पूछ रहे जी घोड़ा लट्ठी क्या हो, मका यहाँ बिना चोट पेट पीट के या जेल है, ना चोट लगती ना हड़दी लगन फटकड़े, ए या चादर है और 1.5 फुट का डंडा चाह, और ऐसा आदमी बन जा मुंह था बोल लगा। हमारे बाबा देख रहे थे जब कोई आफत करता था गांव में, बालक ज्यादा दंगा करता था, कह लगता गोला लट्ठी दे, वो मगर भाई हमारे बाबा उन्होंने बता रखी भाई, हम तो वही थे उसी परंपरा पर हम चल रहे। देखो कानून वापसी नहीं होंगे तो घर जाने की गुंजाइश किसी की रही नहीं, ये ऐसा सांग भरा गया इसने, सरकार ने भरली रीच की गोली, ठीक है या छोटा तो मरा, और जंगल में है वैसे इसे रास्ता नहीं पा रहा कि क्या इलाज हो, अपनी गलती सलती मान ले कोई बात नहीं, पंचायत में गलती की कोई उस नहीं होती, और पंचायत हमेशा जो सही चीज है उसका निर्णय करे, पंचायत में जो आदमी सही बोल रहे हैं उसका पंडा छूट जा, और अदालत में जो सही बोल लेगा उसको फांसी होगी, पंचायत में सही बोल लेगा पंडा छूट जा, अदालत में सही बोल लेगा फांसी होगी, आप उसका पूरा लगा दो हिसाब, पंचायत में अगर आदमी गलत बोल लगा तो समाज से गिरता है, और अदालत में कोई सही बोल लगा तो फांसी बजागा, अदालत झूठ की है, पंचायत है सच्ची, सब लोगों का यही सिस्टम है यहाँ का, पंचायत से माफी मांगे, जो हमारे लोगों के बारे में उसने कोई आतंकवादी बताया, किसी को खालिस्तानी बताया, किसी को पाकिस्तानी बताया, किसी को कहे के चाइना से फंडिंग आ रही, कोई कहे के पाकिस्तान से फंडिंग आ रही, अरे हम पूरी दुनिया को अनाज खिलाते हैं, कोरोना में पुलिस की लाठियों के बीच में हमने अन्न पैदा करा, आप हमको खालिस्तानी बताओगे, आप पाकिस्तान से फंडिंग में बताओगे, क्या देश का किसान इतना कमजोर है कि पाकिस्तान की फंडिंग में हम खाना खिलवाते हैं, अरे आप खाना खाओ ना जितना को चाहिए, ये तो गुरु नानक देव जी कह के गए कि खेती कर मजबूती से कर, खड़े होकर खेती कर और बांट,
तेरा ज्यादा होगा खेत में पैदा। आप दान करके देखो तो, आप दान करो, वो तो ऊपरले वाला है देने वाला, आप दान करो, जो दान करेगा उसका अगला जन्म बढ़िया जगह होगा। जो जमीन का दान करेगा जमींदार के घर में पैदा होगा, जो किसी की जमीन दबा होगा उसका हाल बुरा होगा, एक बीघा भी जमीन नहीं मिलेगी अगले जन्म में। दान करो दान, जो ये चादर गले में गिरे ना बहुत, कह लगे साफा दे दिया, ये कर दिया, अगर एक साफा मिल रहा 10 साफे दान करो, नहीं तो सातवें जन्म में देना पड़ेगा पूजा। दान करो, दान करना सीखो, मंदिर को रोज पूज रहे भाई, ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा, कहीं भंडार लगाता हुआ, सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में भाई, कहां इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका आता पता तो ले लो ना मंदिरों का भी, ये हमारी मां बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में, ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना कड़ाको जी पंडित जी है, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को, अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई, इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारा ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो उपले वाले की, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो उनसे मंदिरों में बैठे, ये भी सारे को सुधरना पड़ेगा, बहुत चढ़ावा है इन पे, है पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी, एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, साढ़ू सा ले लो, अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक कृष्ण जी का कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडार तो लगवा दो भाई, मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा, इलाज इनका सबका होगा, इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी, जो भाई अपना काम करो, और देखे इससे बढ़िया सादत का कोई टाइम नहीं है, बस ये आ गया, घर वालों ने कह दिया घर ना जाइए वापसी, हार के घर नहीं आना, तो घर जाने का मुंह नहीं, घर जाओगे हम तो जाएंगे घर भाई, गांव वाले बैठे तलाश में, जब उन्हें 35 साल मड़ा पर आई, आज ही तो टाइम उनका आया, इससे बढ़िया मौका नहीं है, यह लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, हमको जो कह रहे नहीं कि ये तो दूसरे देश सुसर वंशा है, हम बताओगे 26 तारीख में ये ट्रैक्टर सब पर तिरंगे झंडे लेकर चलेंगे इनमें, और उस दिन पता चलेगा जब ये वाटर कैनन चलेगी ना तिरंगे झंडे पे, उस दिन सर पे टिकट भी लगा कि असली कौन है नकली कौन है, ठीक है, तैयारी कर लेना, परेड पे शामिल होगा, ट्रैक्टर परेड में शामिल होगा, अच्छा खेतों में चलेगा, ये पहाड़ों में ये चलेगा, दिल्ली की मखमली सड़कों पे चलेगा, ये ट्रैक्टर चलेगा, और हमारे बुजुर्ग भी चलेंगे परेड में शामिल, ये सब लोग होंगे, तैयारी कर लेना भाई सब। देखो अगर कोई हार का जाएगा उसकी 3 पिड्ढी पे 76 लगेंगे, गांव के लोग मारेंगे 3 पिड्ढी, उसका कोई ब्याह भी नहीं करता, ब्याह नहीं करता, कह लगा इसकी पिड्ढी, कह लगा इसका बापा आंदोलन में भाग गया था, उसका बापा आंदोलन में भाग गया था, जब जेल भरो आंदोलन चले उत्तर प्रदेश में, इसमें पूरे उसमें कन्यावले में जब जेल भरो आंदोलन चले, जो आदमी वहां से माफी मांग कर आया उसकी लिस्टेड है वो आदमी भी, उसके पोते को भी कहे तेरा बाबा कंजावले आंदोलन में माफी मांग कर आया था, अब तो भाई फंस गया सारा गेर, फंस गया गेर, फंस गया, पाड़ तोड़ होनी है, या तो या सरकार जागीर या किसान जागा, इसमें से एक रहेगा, ठीक है एक बचना, और समझौता ये है कि ये मान जा, यू भी बचेगा, यू किसान भी बचेगा, जनता ने वोट दे रखी, सुधर जा, ठीक है इसकी भाषा सुधर समझ लो, इसकी किसान की, ये जब खाप पंचायतें जब उठी ना, जब आजादी की लड़ाई हुई तो इन्हीं खाप पंचायतों ने दिल्ली को 8 महीने अंग्रेजों से मुक्त रखा, ये वही पंचायतें हैं, जब बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और ये संतलत मेरे साहब रही सी मलती, खाप पंचायत को चिट्ठी लिखी और कहा कि खाप पंचायत दिल्ली के गद्दी को संभाल ले, खाप पंचायत ने कहा कि ना हमने तो यह बात संभाल रखा, तेरी मदद करेंगे, 18,000 सैनिक अपने दिए, खाप पंचायत के जवान अपने दिए, और 8 महीने को दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया, इसी पंचायत ने घुसने दिया, क्योंकि वे जहां को भी निकले थे गांव में अपने लोग थे वहीं पिटे थे उन्हें, दीवान राजस्थान से आ रहा है अपने पूरे बड़े जत्थे के साथ, वहां की कमजोर थी सरकार से हटके रह गया,
हमने कहा भाई कुछ विधायक भी आए वहां पे, सांगवान जो विधायक है वो आए, हमने ये कहा उनको विधायक को, भाई तू सरकार के साथ मगर शामिल रहता, तू चंडीगढ़ में रहता, तेरे घर के बाहर पंचायत रहती, वो ठीक लग रहा है या अब ठीक लग रहा? तो अब ठीक लग रहा है, पंचायत के बीच में बैठा। जो लोग इस आंदोलन की मदद करेंगे, जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, जो इस हमन में आहुति दे उसको इतिहास याद रखेगा, जो इसके साथ में गद्दारी करेगा, जो किसान नेता इसके साथ में गद्दारी करेगा वो भी बर्बाद होगा, उसकी तीन पीढ़ी बर्बाद होगी, माफ नहीं करेगा यह समाज उसको। आगे हमें तो घर वालों ने कह दिया भाई यहाँ तो आना नहीं, घर वाले से बात करिए, प्रेस वाले देख दी, घर वाली मुका बात कर, उन्हें कहा कि यहाँ नहीं आना, यहाँ कोई रास्ता ही नहीं, कपड़े भेज देंगे, तो भी अपना कपड़े भेज दे भाई, हम अपना पैर ले और जाना ही नहीं भाई, हार के तो दिखा जाना नहीं, बतेरी उम्र होली, अब इसमें शहीद हो जाए आंदोलन में तो कम से कम नाम तो लिखा रहेगा, हमारा भी एक स्टेचू लग जाएगा बढ़िया आंदोलन में शहीद हुए। वाहेगुरु जी का कालचक्र, फतेह फतेह कर और आगे बढ़, दिल्ली पर निगारा कर आंदोलन पर, ये आ गई सारी पाल, आ गई कारदंगी इनकी खाल, आ गई भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय समस्त पाल, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। अच्छा नारे भी है कि पहले होता था जय जवान जय किसान, अब हमने कहा कि अमी जवान अमी किसान, अमी जवान अमी किसान, दोनों फौज हमारी तो है, चिंता ना करो। और एक चीज और होता है, मेरी बहने यहाँ पर बैठी सारी खाप पंचायत के पास में 1200 कुछ में हमारी 48,000 नफरी थी खाप पंचायत में महिला आर्मी की, पूरी दुनिया की सबसे पहली महिला आर्मी तो खाप पंचायतों के पास थी, ये बड़ी उसकी बात है। जब इतिहासों से खंगाड़ा गया तो आज से 800 साल पहले हमारे पास में महिला आर्मी थी, दुनिया की पहली महिला आर्मी भारत में खाप पंचायतों के पास में थी, और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, ये तो ये पूरा क्षेत्र वही तो है दिल्ली के चारों तरफ का, 300 किलोमीटर में प्रकार घुमा दो और फिर आप समझ लो कि 300 किलोमीटर में किसान अवस्था है, दिल्ली के इलाज करने के लिए यूं ही बहुत है, तुम तेरे खड़े हो जाओ सारे के सारे, इनका इलाज भरे बिना यहाँ से जाना नहीं, ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और जय खाप पंचायत।